वो तो फिर पहाड़ों में रही है एक दो साल चलाया। तो देखते हैं किसी किस आज क्या कहते हैं यहाँ पे किसका निशाना लगता है। चलो जी स्टार्ट। अरे बाप रे 10 पे वेरी गुड वेरी गुड। ना ना उनका निशाना बढ़िया लगा। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? ये है द बागीचा और यहाँ हमारे साथ कुहू भी है। कुहू तो बड़ा हंस रही है। लो तुम्हारी बारी। ये भी लेना एक। बोले वो बन रहा है। कट कर दो ना, इसको कट ना, कट मत करना, फुल कर देना। चलो अब है मुकु की टर्न। तुम नहीं करोगे? कर रहा हूं। ये मुकु की टर्न है। देखते हैं मुकु अर्जुन के। वो आगे चल रहा है। मैंने पहले भी लगाया निशान, मतलब यहां नहीं निशाना लगा पता है। अरे मेरा वो नहीं है क्या? गोल्ड मेडल उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है इसका, इसमें निशान है। अरे यार इस हिसाब से तो मुझे दो मिलने चाहिए। एकदम सही आ रहा है यहाँ से व्यू। गोल्ड मेडलिस्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या हुआ? एक और एक और क्या हुआ? गोल्ड मेडलिस्ट सर वाजे। अरे उसमें कैसे बोलता है क्या हुआ गोल्ड मेडलिस्ट? भैया थोड़ा आगे आ जाना, इतनी दूर क्यों है तू? रेडी स्टार्ट। ओ ये देखो गाइस एकदम बीच में गया निशाना पूरा। 10 पे इस बार क्या होता है? ये आपको फाइनल वो है फाइनल टर्न। मैंने उल्टा पकड़ लिया यार, ऐसे नहीं। अरे देखते हैं फिर डॉक्टर जीजा जी का क्या लगता है। अरे बाप रे 10 में आया और मेरा थोड़ा यहाँ से इधर था। कर ले ट्राई, कर ले तू भी यहाँ से माना। लेकिन यहाँ से घर से तो यहाँ पे है मिस बता रहा हूँ मिसेस इसको ऐसे पकड़ ले मिसेस डॉक्टर सुनील। हाँ पीछे तो खींचो, टाइट पकड़ो ना हाथ को, टाइट पकड़ो टाइट। देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है इनका। 6 पे जाएगा मुझे लगता है। अरे उसमें खेचो ना उसको, इसको पकड़ो, इसको तार के लिए खेचो, इसको खेचो फिर छोड़ देना है। आराम से पकड़ो, आराम से। तो फिर पहाड़ों में रही है एक दो साल, तो तूने तूने चलाए होंगे। अरे बाप रे बोला था याद है? हाँ गैस सही हुआ फिर ये। मैं पहले देख के समझ गया था। तो यहाँ सभी निशानेबाजी कर एक वो अर्जुन में आग बंद करके। कुहू तू भी लगाएगी निशाना हैं? हैं पीछे देख के तू। अच्छा आपने बिना उसके लगाया था। अब मेरी लास्ट फाइनल टर्न है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मारो, यहाँ से इस बार कसम से 0 पे। वो नीचे पकड़ना। रेडी ये लेट्स सी। ओ ये तो बिल्कुल 10 पे गया है। बहुत थोड़ा सा बच गया। कोई निशान लगाएगी क्या? गाइस आज हम यहाँ पे आ रखे हैं, हमने यहाँ पे अभी आए और फिर खाना वाना तो खा लिया, अब थोड़ा यहाँ घूम रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे सीधे घर को। तब तक यहाँ निशानेबाजी कर लेते हैं। ये रिजॉर्ट आपका पड़ेगा ढिकुली में, द बागीचा रिजॉर्ट। स्पाइन रिजॉर्ट है, आप स्पा भी कर सकते हैं, बट यहाँ मोस्टली सो अब देखते हैं कि भैया का निशाना कैसा लगता है। ओके रेडी। ओ नहीं किया देखना, इस बार 10 के 10 और दूर से और पीछे से मारता हूँ। ओ नाइस। कैमरामैन तो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज हम लोग आज ये रिजॉर्ट में आए थे, यहाँ पे आप लोग भी आ सकते हैं, बट आप लोग क्रिसमस में और न्यू ईयर पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो रहेगा, बहुत रश मिलेगा। ये रिजॉर्ट था जहाँ से हम लोग आए थे। और यहाँ तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग को पहले बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद आप लोग यहाँ आ सकते हो।
इनके अलग अलग पैकेजेस हैं, वो लेने पड़ेंगे। जैसे आपको साथ में अगर अपना एंटरटेनमेंट एडवेंचर टाइप तो आप उसमें कर सकते हैं। ये है बागीचा रित गाइस, आप यहाँ पे कैमल लाइटिंग भी कर सकते हैं। कॉर्बेट रिसोर्ट के जस्ट सामने, मतलब द बागीचा रिसोर्ट के जस्ट सामने, यहाँ पे आप कैमल लाइटिंग कर सकते हैं। ये आपको राइडिंग कराएंगे या रोड पे कराएंगे, थोड़ा आपको इस साइड ले जाके जाएंगे जंगल साइड। बस फोटो बढ़िया आ गई। मम्मी जी पानी पीते बारी बेचे में तुम्हें पान पहाड़ी ब्लॉग में थोड़ा पहाड़ी बोलना भी जरूरी है। कुमाऊनी भी गढ़वाली भी क्यों जी? अजी तो बोलते हैं गढ़वाली। नहीं नहीं कोई आती गढ़वाली ना कुमाऊनी। अरे हम पहाड़ी में नहीं बोलने बोलते हैं, हम सिखाएंगे पहाड़ी। हाँ मतलब जो हमारे नीचे की जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन आ रही है, उनको पहाड़ी सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पहाड़ी लुप्त हो जाएगी। इसलिए वी हैव टू टीच पहाड़ी टू आवर न्यू जनरेशन। पीछे का ले लो, मैं वैसे बाहर निकाल के। यहाँ बाबा जी बाइक चला रहे हैं। बाबा जी कौन? अच्छा ओ, ओ। ये तो उन्होंने अरे उनको ठंड भी तो लग गई। बाबा आप खोल दे काम। अरे देव भैया लोग आगरा भी आ सकते, नहीं तो आगरा 4-5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। नहीं तो भीमताल में एक मेरे फ्रेंड का रिजॉर्ट है ना, तो वो नाइट स्टे के लिए बढ़िया है उधर, मतलब वहाँ वहाँ जा सकते हैं। हाँ खुद ले जाएंगे बर्तन वगैरह। मेरी क्लासमेट ही है वो, हर्षित पांडे नाम है उसका, वो उसने रिसोर्ट पहले ही खोल लिया उसने काफी पहले।